के झाव मगोरी जिंदगी हवे। आखिर ले शुरू हो गए माया के कहानी फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कितने रुपए का कलेक्शन कर लिया है और इस फिल्म ने बॉलीवुड के किस फिल्म का रिकॉर्ड को तोड़ा है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाना अपने आप में बहुत ही कठिन काम है और इससे भी ज्यादा कठिन फिल्म को चलाना। ऊपर से हमारे छत्तीसगढ़ में टेक्नोलॉजी की कमी भी है और इतने कम साधनों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में एक फिल्म तेजी से सुपरहिट चल रहा है। दोस्तों, ले शुरू हो गए माया के कहानी फिल्म एकमात्र ऐसा फिल्म है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के अलावा भारत के कई राज्यों में जोर शोर से चलकर सभी सुपरहिट फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकलने वाले पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है। दोस्तों, इस फिल्म ने छत्तीसगढ़ के भाषा और बोली को पूरे देश में फैलाकर छत्तीसगढ़ को एक नया पहचान दिलाया है। दोस्तों, इस फिल्म के स्टार कास्ट में छत्तीसगढ़ के कॉमेडी किंग अमलेश नागेश और साउथ फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री एल्सा घोष को लिया गया है और इन दोनों की इस खूबसूरत जोड़ी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इससे पहले अमलेश नागेश टिकटॉक पर अपने कॉमेडी वीडियो बनाते थे और देखते ही देखते उनका वीडियो तेजी से वायरल चलते गए और सभी छत्तीसगढ़ियों के दिलों और दिमाग पर छा गए। और अमलेश नागेश पेंटिंग में रुचि रखते हैं और इस फिल्म को सतीश जैन के डायरेक्शन पर फिल्माया गया है। दोस्तों, सतीश जैन कोई पहचान के मोहताज नहीं है। इससे पहले सतीश जैन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम किया करते थे और इसी अनुभव के चलते उनका हर मूवी ब्लॉकबस्टर साबित होता है। और दोस्तों, इस फिल्म के स्टोरी की बात करें तो यह एक पारिवारिक और स्कूल लव स्टोरी मूवी है जिसमें लड़के का नाम विद्यासागर और लड़की का नाम ज्योति, इन दोनों के बीच पढ़ाई के दौरान प्यार हो जाता है और ज्योति के पिताजी इन दोनों के प्यार को स्वीकार नहीं करते हैं तो ज्योति और विद्यासागर भगकर मंदिर में शादी करते हैं। कुछ इसी प्रकार के कहानी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आप अपने पूरे फैमिली के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, इस फिल्म ने पूरे 50 दिन हाउसफुल चलने का रिकॉर्ड बना लिया है और आज भी यह फिल्म थिएटर पर हाउसफुल चल रहा है। इससे पहले मोर छैया भूया और हस झन पगली फस जबे जैसे सुपरहिट फिल्मों ने रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन ले शुरू हो गए माया के कहानी फिल्म ने इन सबको पीछे छोड़कर आगे निकल चुका है और इस फिल्म की डिमांड इतनी अधिक बढ़ गई थी कि बॉलीवुड के द केरला स्टोरी जैसे फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि अभी आदि पुरुष फिल्म थिएटरों में लगने के बाद इस फिल्म का क्रेज थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन दोस्तों दावा ये भी किया जा रहा है कि आदिपुरुष फिल्म को हटाकर इस फिल्म को फिर से चलाने की बात हो रहा है। क्योंकि आदिपुरुष फिल्म के जो मेकर्स के द्वारा किए गए छपरी एडिटिंग को लोग बिल्कुल भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और आदिपुरुष फिल्म पर लोग तरह तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं और यह फिल्म विवादों में डूबता जा रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ले शुरू हो गए माया के कहानी फिल्म ने आखिर अब तक बॉक्स ऑफिस पर कितने रुपए का कलेक्शन किया है। दोस्तों, यह फिल्म ने 1 करोड़ के बजट में बनकर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले छत्तीसगढ़ी फिल्म बन गया है और इस फिल्म ने पहले ही दिन 7 से 8 लाख रुपए का कलेक्शन किए थे और इस फिल्म ने अब तक 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके सुपरहिट फिल्म छत्तीसगढ़ी फिल्म बन गया है, जो कि छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा बजट है। और इस आंकड़े की सूचना इस फिल्म के डायरेक्टर सतीश जैन ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर इस आंकड़े को शेयर किया है। तो दोस्तों, ये थी ले शुरू हो गए माया के कहानी फिल्म की इन्फॉर्मेशन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।